नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि सोलन में अभी फिलहाल मौसम साफ नजर आ रहा है, आसमान साफ है, लेकिन बीच बीच में बादल छाए हुए हैं। यही वजह है कि सोलन में अभी धूप खिली हुई थी, लेकिन अब सूर्यदेव बादलों के बीच में छुप गए हैं। और बारिश को लेकर आज भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में आज 7 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। जिन जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है, उसमें हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला को दी गई है कि इन जिलों के निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है। और इसके अलावा इन जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सके, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। पिछले कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 692% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से पिछले कल भी येलो अलर्ट जारी किया गया था, तो कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हुई है, तो कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए और छाए रहे और कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बौछारें भी गिरी है। पांवटा साहिब में कल बादल फटने से काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है और एक व्यक्ति की मौत भी वहाँ पर हुई है। और इस तरह से क्योंकि जाती हुई बरसात है, तो जाती हुई बरसात कई बार कहा जाता है कि बहुत घातक होती है। जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, सोलन है, सिरमौर जिला है। और पिछले एक दिन की बरसात में ही हिमाचल प्रदेश में जो लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही थी, सामान्य से करीब पिछले कल 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान चला हुआ था, तो एक ही बारिश में तापमान भी बढ़ गया और तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। कई शहरों के तापमान में तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है, जैसे सोलन का ही उदाहरण ले तो 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सोलन का गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार अन्य जिलों में मौसम साफ रहने साफ या आसमान पर हल्के बादल रह सकते हैं और इस दौरान कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो सकती है, इस तरह की संभावना है। कल से मॉनसून एक बार फिर कमज़ोर पड़ेगा और अगले 3 दिन तक बारिश के आसार नहीं है। गुरुवार को कांगड़ा सिरमौर जिला में भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से वहां पर तबाही हुई है। शिमला और सोलन जिला के में भी तेज बारिश हुई और 100 से ज़्यादा सड़कें इस वक्त बंद चली हुई है। सामान्य से करीब 692% हिमाचल प्रदेश में बादल बरसे हैं। 26 सितंबर को प्रदेश में जो बारिश है सामान्य मानी जाती है, वो मानी जाती है 2.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन पिछले कल 16.6 मिलीमीटर बादल बरसे हैं जो सामान्य से 692% अधिक है। इस दौरान सिरमौर जिला में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, 93.3 मिलीमीटर बारिश। कांगड़ा में 53.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिलासपुर में 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चंबा में 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर में 22.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंडी में 27.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शिमला में 5.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और सोलन जिला में 3.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिश का दौर चला रहा, तो उसके कारण तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। औसत तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश में गिरा है। कई शहरों के तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में इस सीजन में यदि 1 जून से लेकर और 26 सितंबर तक की माने तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 19% कम बारिश अभी तक हुई है और इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 729.5 मिलीमीटर बारिश को नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अभी तक 590.4 मिलीमीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन जिलों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। उनमें हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर जिला शामिल है, जहां पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कल प्रदेश में सामान्य से करीब 692% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है और
कल हुई बारिश के बाद तापमान में भी भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। कई शहरों का तापमान सात डिग्री सेल्सियस तक गिरा है और हम आपको इन शहरों की भी जानकारी देंगे जहां पर जो औसत तापमान है जो उसमें गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया। आज के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी है, कल से फिर मॉनसून कमज़ोर पड़ जाएगा। पूर्णा डिस्ट्रिक्ट में हालांकि किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो, लेकिन अलर्ट मौसम विभाग की ओर से ऊना जिला को लेकर नहीं है। मौसम वहाँ पर सामान्य ही वैसे बना रहेगा। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का जो अधिकतम तापमान है वो पिछले कल जिस तरह से बारिश हुई तो उसकी वजह से 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है और 20.8 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का तापमान भी अब सामान्य से नीचे आ चुका है और नॉर्मल का तापमान से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे है और 29.5 है। 4.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कल देखने को मिली है बारिश की वजह से। सुंदरनगर में भी तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस गिरा है, अब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है जो नॉर्मल से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कल्पा के तापमान में देखने को मिली है। 19.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, -5 डिग्री सेल्सियस तापमान नॉर्मल से सामान्य से कम वहाँ पर चला हुआ है। ऊना के बात करें तो ऊना के तापमान में भी 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और ऊना का तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 3% अधिक है। धर्मशाला का तापमान अभी भी सामान्य से 2.1% अधिक है और पिछले कल तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिली और धर्मशाला का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस हो गया है। नाहन का तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस है और 4 डिग्री सेल्सियस की उसमें वृद्धि हुई है, नॉर्मल से 5.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलांग का तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 4.7% अधिक है, लेकिन उसमें गिरावट 4.1 डिग्री सेल्सियस की हुई है। कांगड़ा का तापमान की बात करें तो कांगड़ा के तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। सोलन का तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सोलन के तापमान में हुई है जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी के तापमान में भी 2.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है, -2.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है, 28 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान। बिलासपुर का तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस है और 2.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट बिलासपुर के तापमान में देखने को मिली है। इसी तरह चंबा का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो जिसमें 2.9 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भरमौर के तापमान में भी 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है, 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सिहोगबाग का 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धौलाकुआं में के तापमान में 4.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बठी का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, 30.9 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। कसौली के तापमान में भी 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और 21.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और दीपक प्रधान रोली जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। ब्रदर रनसार वैली के जांगला से बोल रहे हैं, यहाँ धुंध, वहाँ पर धुंध है। दीपक जी की तरफ से जानकारी है कि उनके क्षेत्र में इस वक्त धुंध है। और गिरधारी लाल नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं, धुंध पड़ी है। रीना ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं, रिकांगपियो में भी मौसम खराब है जनाब। फतेह सिंह ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। ओंकार सिंह पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और इट रेन अर्ली इन द मॉर्निंग, जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि रामपुर में के आसपास के क्षेत्रों में सुबह बारिश हुई है। संदीप चंद जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, फतेह सिंह ठाकुर जी और तेंजिन नेंगी जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। दुर्गा सिंह ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। यमुनानगर में इलेक्शन का मौसम बना हुआ है और संजय मलिक जी जुड़े हैं क्योंकि हरियाणा में आजकल चुनाव लगे हैं। और ऊना में सर कल हुई है बारिश, गुलजार सिंह जी ये जानकारी दे रहे हैं। और चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शक्ति चौधरी जी बिलासपुर में अलर्ट है और संजय मलिक जी हमारे साथ है। बिलासपुर में आज अलर्ट नहीं है लेकिन बारिश की संभावना वहाँ पर भी बनी हुई है।
और संजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सोहल जी, सुनील ठाकुर जी, दीपक ठाकुर जी, करसोग में बादल इस वक्त छाए हुए, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं सुरेश शर्मा जी का। और सुरेश शर्मा जी के साथ लेखराज राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम सोलन का बना हुआ है। सोलन में अभी फिलहाल मौसम साफ नज़र आ रहा है, आसमान पर बादल कम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की ओर से आज अलर्ट जारी किया गया है सोलन में भी, और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में अलर्ट है उनमें हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर जिला शामिल है। ये जिन हैं जहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। तीन सिंह ठाकुर जी सोलन से, ओम प्रकाश जी मनाली में रात को तेज बारिश हुई है और मनाली में अब मौसम साफ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल जमकर मेघ बरसे हैं। सामान्य से 695 फीसदी अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। तापमान में भारी गिरावट हुई है, एक ही दिन की बारिश में तापमान में भारी गिरावट हुई है। हालांकि आज भी मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश हो सकती है कुछ एक जगहों पर, ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कल जमकर मेघ बरसे हैं, लेकिन सोलन के आसपास के क्षेत्रों में भी जमकर बारिश हुई है, लेकिन शहर में तो हल्की भी बारिश कल रिकॉर्ड की गई है। लेकिन तापमान में भारी गिरावट सोलन के भी देखने को मिली, 6.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान सोलन में हुआ है। तो आज के मौसम के अपडेट में तो फिलहाल इतना ही है कि मौसम विभाग का अलर्ट है, कल से मौसम फिर एक बार फिर साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो मानसून कल से फिर एक बार फिर कमज़ोर पड़ रहा है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।